बीजेएमआई में लास्ट सीजन हैकर्स के साथ रैंक पुशिंग करने के बाद और अपने मन में क्राउन टियर को कॉन्करर का बाप, मेरा मतलब है कि क्राउन टियर कॉन्करर से 100 गुना बढ़िया, ये मन में दिलासा देने के बाद अगर आप इस सीजन भी केवल नाम के लिए रैंक पुशिंग करने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्यों क्राउन टियर कॉन्करर का बाप, मेरा मतलब कि क्राउन टियर क्यों बढ़िया है कॉन्करर टियर से। ओके, तो छोटा भीम को बेन 10 से बढ़िया बताने वाले और कच्चे दिल वाले ये दोनों अभी तक वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, और जो भी मिस्टर स्मूदी पीने वाले लोग अभी तक बचे हैं मैं आप सभी को बता दूं जो अभी हमें बीजेएमआई के अंदर करंट सीजन देखने को मिला है यानी कि C7S19 उसके अंदर आप अगले केवल 7 दिनों के अंदर, यानी कि आप जब भी ये वीडियो को देख रहे हो उसके अगले केवल 7 दिनों के अंदर आप कॉन्करर कैसे अचीव कर सकते हो, उसका टाइटल आप कैसे ले सकते हो, इसकी पूरी बेसिक से लेकर एडवांस सारी स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको मिनिमम डेली कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सोलो डू और स्क्वाड के अंदर सीजन एंड होते होते आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे पिछले सीजन के हिसाब से, और जो लोग मुझसे वीकली पॉइंट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बेस्ट लैंडिंग लोकेशन बताने वाला हूँ, 6 घंटे को कैसे सही से यूज करना है यानी कि लिमिटेड टाइम को आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो, नए मोड के अंदर कौन सी ऐसे सीक्रेट लोकेशन होने वाले जहाँ पे लैंड करके आप सेफली गेम खेल सकते हो, और भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी, साथ में मैं आप सभी को एक बोनस तरीका भी बताऊंगा वीडियो के एंड में जो कि आपको हेल्प करेगा कॉन्करर रैंक पुशिंग करने में। तो अगर आप बीजेएमआई के अंदर रैंक पुशिंग या फिर कॉन्करर रैंक पुशिंग को लेकर थोड़ा सा भी अगर सीरियस हो तो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी सारे तरीके बताने वाला हूँ वो आप करंट सीजन में अप्लाई करके कॉन्करर टाइटल तो अचीव कर ही सकते हो, साथ में आने वाले काफी ज्यादा सीजन में भी आप ये सेम ट्रिक्स अप्लाई करके तो रैंक पुशिंग कर सकते हो। तो कहने का मेरा ओवरऑल मतलब ये कि ये वीडियो आप सभी के लिए कॉन्करर रैंक पुशिंग को लेकर एक प्रॉपर गाइड वीडियो होने वाली है, बाकी अगर आप करंट सीजन के अलावा अगले सीजन भी कॉन्करर रैंक पुशिंग करोगे तब भी आप ये दोबारा आके वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसके अंदर ज्यादातर तरीके में यूनिवर्सल बताने वाला हूँ। बाकी अब हम वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि काफी ज्यादा लोग इस वजह से कॉन्करर रैंक पुशिंग नहीं करते हैं क्योंकि भाई उनका जो डिवाइस है वो काफी ज्यादा लैग होता है, लेकिन भाई डोंट वरी, अगर आप C7S19 यानी कि करंट सीजन के अंदर अगर आप कॉन्करर रैंक पुशिंग करने का सोच रहे हो लेकिन अगर आप इस वजह से रुक रहे हो कि आपका जो फोन है वो लैग करता है, तो भाई डोंट वरी, मेरी ये वाली वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना, अगर आपका अपडेट यानी कि 3.4 का जो अपडेट आया उसके बाद अगर आपका फोन लैग हो रहा है तो ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। बस इस लैग फिक्स करने वाली वीडियो को देखने से पहले इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका जो फोन है उसके अंदर मिनिमम 3 GB रैम होनी चाहिए, तो अगर आपके फोन में मिनिमम 3 GB रैम है तो भाई आप ये वीडियो देख लेना, जो भी तरीके मैंने बताया वो सारे तरीके यूज कर लेना, आपका फोन 60 FPS फेंक के मारेगा। अब लैग फिक्स तो आप सभी के फोन का हो ही गया, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आप रैंक पुशिंग कैसे कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रॉपर गाइड वीडियो होने वाली है जिसको काफी ज्यादा लोग ऐसे भी देखेंगे जो फर्स्ट टाइम कॉन्करर रैंक पुशिंग कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक ओवरव्यू बता देता हूं कि भाई कॉन्करर रैंक पुशिंग में आपको कैसे करना होता है और आपको जो कॉन्करर टाइटल है फ्रेम वगैरह है वो किस बेसिस पे मिलता है मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, देन उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, देन उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, कॉन्करर टाइटल आप सभी को मिलेगा सर्वर रैंकिंग के हिसाब से। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भाई बीजेएमआई में अगर आप जाके सर्वर रैंकिंग चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको 100 प्लेयर्स की रैंकिंग देखने को मिल जाएगी, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, सोलो डू और स्क्वाड के अंदर आपको टॉप 100 प्लेयर्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको वहां पे खुद की भी रैंकिंग शो हो जाएगी। अब इसके अंदर बेसिक फंडा ये होता है कि भाई सीजन एंड होने से पहले यानी कि जो करंट सीजन चल रहा है वो जब भी एंड होगा उसके एंड होने से पहले आपको सर्वर रैंकिंग के अंदर टॉप 500 के अंदर आना होता है, अगर आप ऐसा कर ले तो आप टॉप 500 के अंदर आ जाते हो तो आपको कॉन्करर टाइटल देखने को मिल जाएगा। अब जो फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्करर रैंक पुशिंग कर रहे हैं, अब इसके अंदर भी एक ध्यान रखने वाली बात यह कि भाई सुबह 5:30 बजे तक भी आपकी जो आईडी है वो टॉप 500 के अंदर होनी चाहिए, अगर आपकी आगे पीछे खिसकती है तो भाई आपको हो सकता है अगले दिन मिले। उन सभी को मैं बता दूं कि भाई सीजन रैंकिंग के अंदर आप टॉप 500 के अंदर जिस दिन आ जाते हो आपको उस दिन कॉन्करर टाइटल देखने को नहीं मिलता, आपको मिलता है अगले दिन सुबह 5:30 बजे जब आपका सर्वर रीसेट होता है। अब वैसे तो ऐसा मोस्टली नहीं होता है लेकिन मैंने आप सभी को एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अब इसके अलावा भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपका कॉन्करर टाइटल फ्रेम वगैरह है जो कि आपको पहले ही मिल चुका है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो आपसे छीन भी सकता है। एंड वो बात ये कि भाई जिस दिन आपको कॉन्करर टाइटल एंड फ्रेम वगैरह देखने को मिलता है उसके अगले 5 मैच तक आपको ऐसे मैच खेलने हैं जिससे आपकी रैंकिंग नहीं गिरे। अब इसको और भी सिंपल मैं आप सभी को करके बता देता हूँ। अब मान लो कि भाई जिस दिन आप कॉन्करर टाइटल आपको देखने को मिल गया उसके अगले 5 मैच आपको कॉन्करर लॉबी के अंदर ही खेलने हैं। बाय चांस ऐसा मान लो कि भाई टाइटल मिलने के अगले 5 मैच तक आप ऐसा खेलते हो कि आपकी जो माइनस है वो काफी ज्यादा लगता है और आपकी जो टीयर है वो आपके गिर जाता है कॉन्करर से, तो आपका जो टाइटल है वो आपसे छीन भी सकता है। तो ट्रैक करो, जिस दिन आपको टाइटल मिल जाता है उसके अगले 5 मैच आपको माइनस बिल्कुल कम लगवाने हैं, बस केवल 5 मैच आप कॉन्करर लॉबी के अंदर खेल जाओ, आपके जो टाइटल एंड फ्रेम वगैरह है वो सब कुछ परमानेंटली आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉन्करर रैंक पुशिंग को लेकर कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में। मैं आपको कुछ 6 से 7 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, देन उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट्स के बारे में कि आपको डेली बेसिस पे कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और मैं आपको स्पेसिफिक भी बताऊंगा कि भाई सोलो डू और स्क्वाड के अंदर आप डेली कितने पॉइंट्स आपको लेने होंगे कॉन्करर टाइटल अचीव करने के लिए। साथ में काफी ज्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो सीजन एंड होते होते कॉन्करर टाइटल अचीव करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ लास्ट सीजन को एग्जांपल रखते हुए। तो भाई अगर आपको पॉइंट्स वगैरह जानने तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
हमारे पहले पॉइंट को लेकर, यानी कि स्ट्रेटेजी को लेकर बेसिकली। तो जो हमारा पहला पॉइंट है या जो हमारी पहली स्ट्रेटेजी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसी पे डिपेंड करता है कि भाई आपका कॉन्करर लगेगा या नहीं लगेगा। एंड वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कॉन्करर रैंक पुशिंग किस में करनी है, सोलो में, डुओ में या फिर स्क्वाड में। अब सुनने में ये काफी ज्यादा पॉइंट सिंपल लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट सीजन में जो लोग कॉन्करर रैंक पुशिंग कर रहे थे उनका मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई जो उनकी स्क्वाड की टीम थी उसके अंदर से दो बंदे 20 सीजन के अंदर ही छोड़ के चले गए, उनको अब गेम नहीं खेलना या फिर कॉन्करर रैंक पुशिंग अब नहीं करनी। साथ में कुछ बंदे ऐसे भी थे जो भाई मुझे मिड सीजन मैसेज कर रहे थे कि भाई वो डुओ के अंदर रैंक पुशिंग कर रहे थे, 20 सीजन में उनका जो टीममेट है उसने कॉन्करर रैंक पुशिंग छोड़ दी एंड वो उस टाइम करंटली एज डोमिनेटर में, यानी कि कॉन्करर टच होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसका टीममेट उसे छोड़ के चले गया एंड डुओ के अंदर वो सोलो नहीं खेल पा रहा था और मेरे हिसाब से सीजन एंड होने तक उसने कॉन्करर नहीं किया। तो भाई इस पॉइंट के अंदर आपको सबसे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर आपके पास तीन टीममेट बच रहे हैं जिसमें से एक आपको नहीं मिल रहा तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपको नॉर्मली ही खेलना है तो आप नॉर्मली खेल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डुओ खेलोगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी आपको अपने फ्रेंड्स के हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई आपको सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड में किस में आपको रैंक पुशिंग सबसे बढ़िया रहेगी और आपके लास्ट तक आपके टीममेट आपके साथ रहेंगे। बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में तो इसके अंदर भी ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर मैं आप सभी को बता देता हूं। अब स्ट्रेटेजी जो भी आप फॉलो करोगे वो काफी ज्यादा चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज तो ये कि अगर आपका टीयर कम है, यानी कि मान लो गोल्ड, प्लेटिनम, क्राउन वगैरह में हो तो आप थोड़ा अग्रेसिव खेल सकते हो कि जो भी आपका करंट टीयर चल रहा है, मान लो आप प्लेटिनम में हो, क्राउन में हो या फिर एस में हो, किसी में भी हो, आपको हर टीयर के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका टीयर बढ़ेगा आपको थोड़ा सीरियस होकर कैंप कर करके खेलना है। कैंप का मतलब गलत मत समझना, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी होल्ड बैक करके खेलना है। आपको डायरेक्टली फेस टू फेस फाइट थोड़ी कम लेनी है, आपको ट्राई करना है आप कहीं से थर्ड पार्टी करो या फिर दो टीमें जहां पे लड़ रही हो उसके बीच में जितना हो सके किल्स वगैरह उठाओ और मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि आप गेम में जितना हो सके लास्ट तक रहो, यानी कि टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर या फिर चिकन डिनर लेने का सोचो। बात करें हमारे अगले पॉइंट के बारे में तो ये भी रिलेटेड है चिकन डिनर से। तो भाई मैच स्टार्ट होने से पहले आपको सोचना है कि भाई आपको चिकन डिनर लेना है। तो अगर आप ऐसा केवल सोच के या फिर केवल दिमाग में रख के भी खेलोगे कि मुझे चिकन डिनर लेना है तो भाई आप टॉप 10 के अंदर या टॉप 5 के अंदर तो आ ही जाओगे। अगर आप गेम स्टार्ट होने से पहले टॉप 30 वगैरह की सोचोगे तो भाई मेरे हिसाब से आप कॉन्करर रैंक पुशिंग नहीं कर पाओगे। आपको ट्राई करना जितना हो सके आपको टॉप 10 के अंदर आना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो जो आपको नया मोड देखने को मिला है गेम के अंदर, यानी कि 3.4 अपडेट के बाद जो हमें मोड देखने को मिला है वो बेसिकली आपको तीन मैप के अंदर देखने को मिला है, इरेंगल, सनहोक और लिविक के अंदर। तो मेरी मानो तो भाई इरेंगल के अंदर आप जितना हो सके उसको अवॉइड करो, सनहोक और लिविक मैच के अंदर मैच खेलो। सनहोक और लिविक के अंदर आपको किल्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली इरेंगल के हिसाब से। बाकी बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइम जो सबसे बेस्ट तरीका होगा रैंक पुशिंग करने का वो होगा डुओ के अंदर, क्योंकि स्क्वाड के अंदर काफी ज्यादा नखरे होते हैं कि भाई आपके पास टीममेट नहीं है या फिर आपके पास लोबी के अंदर काफी हैकर्स आ रहे हैं, सोलो के अंदर भी काफी प्रॉब्लम रहती है। डुओ के अंदर आप रैंक पुशिंग करके एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके, यानी कि फाइट लेने वाली स्ट्रेटेजी, यानी कि इसके अंदर आपके पास एक बेनिफिट रहता है, लॉन्ग रेंज के अंदर आप फाइट लेते हो। मान लो कि अगर आप वहां पे नॉक वगैरह भी हो जाते हो तो आपके पास एक चांस रहता है कि आप रिवाइव हो सको अपने टीममेट से। तो भाई अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि भाई बीजेएमआई के अंदर अगर आपको रैंक पुशिंग इस टाइम करनी है तो डुओ सबसे बेटर होगा, इसके अंदर आप रैंक पुशिंग कर सकते हो। बाकी आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका भाई गेम काफी ज्यादा लैग करता होगा मोड की वजह से, तो भाई उसके लिए मैंने वीडियो बना दी ये वाली, इसको जाके चेकआउट कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं कि भाई आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे कॉन्करर टाइटल के लिए, वीकली आपको कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर सीजन एंड होने तक आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपको कॉन्करर टाइटल देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप सीजन स्टार्ट होने के कुछ दिनों के अंदर ही कॉन्करर टाइटल अचीव करना चाहते हो तो ये काफी आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता, आपको सिंपली एज टीयर के अंदर आना होता है। क्योंकि स्टार्टिंग जब सीजन स्टार्ट होता है तो एज टीयर का मतलब है कि आप टॉप 500 के अंदर आ चुके हो। अब इसकी भी डेज की लिमिट होती है कि भाई स्क्वाड, डुओ या फिर सोलो के अंदर आपको मिनिमम कितने दिनों के अंदर एस लगाना होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वाड के बारे में। तो अगर आप स्क्वाड के अंदर रैंक पुशिंग करने का सोच रहे हो तो सीजन स्टार्ट होने के केवल 3 दिनों के अंदर अंदर आपको एस लगा लेना है। अगर आप केवल स्टार्टिंग के 3 दिनों के अंदर एस लगा लेते हो स्क्वाड के अंदर तो आपको कॉन्करर टाइटल देखने को मिल जाएगा। डुओ की बात करें तो आपको स्टार्टिंग के 4 दिनों के अंदर एस लगाना होता है। बात करें सोलो के बारे में तो भाई सोलो के अंदर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, इसके अंदर आपको 5 दिन, कई बार तो 7 दिनों के अंदर भी अगर आप एस लगाते हो तो आपको कॉन्करर टाइटल देखने को मिल जाता है। तो जितने डेज मैंने आप सभी को बताया उस डेज के अंदर या फिर उससे पहले ही अगर आप एज टीयर के अंदर आ जाते हो तो मान लो कि आप टॉप 500 के अंदर आ चुके हो तो आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। तो इन डेज के हिसाब से सोलो के अंदर आपके पास थोड़ा ज्यादा चांस होता है, आपके पास 1 वीक तक का चांस होता है, लेकिन 5 दिन आप मान के चलो। देन उसके बाद आपके पास डुओ के अंदर चांस होता है 3 से 4 दिनों के अंदर आपको एस लगाना होता है। सबसे कम आपके पास चांस होता है स्क्वाड के अंदर लगाने का, क्योंकि इसके अंदर आपके पास केवल 2 या 3 दिन ही होते हैं स्क्वाड में एस लगाने का। अब हम बात करते हैं मिनिमम कितने पॉइंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे डेली बेसिस पे जिससे आप कॉन्करर टाइटल अचीव कर सको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलो के बारे में। तो आपको ट्राई करना है मिनिमम आपको +70 से 100 आपको लेके ही चलना है। तो सोलो के अंदर +70 आपको एवरेज पॉइंट लेके चलना है डेली बेसिस पे। साथ में बात करें डुओ के बारे में तो यहाँ पर आपको +100 तो लेके मिनिमम जाना ही
नहीं जाना है। बाकी बात करें हमारे स्क्वाड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 150 टू 200 प्लस में लेके चलना है डेली बेसिस पे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कॉन्करर टाइटल अचीव आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी मैच खेलो उसके अंदर आप मिनिमम से मिनिमम माइनस लगवाओ, यानी कि आपको माइनस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना के बराबर लगवाना है। आपका एक भी मैच वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको स्लो एंड स्टडी खेलना है, ट्राई करना है टॉप 10 के अंदर जाओ, फिर टॉप 5 के अंदर, देन उसके बाद आप टॉप 3 के अंदर भी जा सकते हो। सीजन एंड होने से पहले आपको लीडर बोर्ड के अंदर टॉप 500 के अंदर अपनी जगह बनानी है। जैसे आप ऐसा करते हो अगले दिन आपको 5:30 बजे कॉन्करर टाइटल देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करिए भाई कितनी केडी हमको रखनी होती है, अगर आपको सही दिखना है तो भाई आपकी प्रोफाइल वगैरह सही दिखे तो मेरे हिसाब से भाई मिनिमम आपको 4 की केडी रखनी होती है, मेंटेन करके चलना होता है। बाकी इसके ऊपर आप जितनी भी बढ़ाना चाहो वो आपकी श्रद्धा है। बाकी बात करें इसके अलावा एक और पॉइंट के बारे में कि भाई आपके जो 6 आर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 घंटे एक दिन में आपको देखने को मिलते हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको कभी भी एक साथ 4 से 5 घंटे गेम को नहीं खेलना है, ऐसा कोई भी नहीं खेलता और आपको भी नहीं खेलना है। आपको 2-2-2 का रूल फॉलो करना है, यानी कि 2 घंटे खेलना है, फिर ब्रेक लगना है, फोन को चार्ज भी लगा लेना है, या फिर आपको कहीं दूसरा काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद आपको फिर 2 घंटे खेलना है, उसके बाद आपको फिर से अपने फोन को ठंडा रखना है या फिर चार्ज पे लगाना है, बैटरी को फुल करना है, देन उसके बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना है, फिर आपको 2 घंटे और खेलना है। मेरे कहने का मतलब ये कि भाई आपको कभी भी एक साथ 3 से ज्यादा घंटे गेम को नहीं खेलना है। आपको ट्राई करना है जितना हो सके आपको गैप ले लेके खेलना है, 2-2 घंटे काफी बढ़िया होता है, उसके अंदर आप खेल सकते हो। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम रैंक पुशिंग करते टाइम करते हैं। काफी बेसिक गलतियां होती है, हमें ध्यान भी नहीं रहता और हम कर देते हैं, एंड वो गलतियां काफी इंपैक्ट डालती है आपके रैंक पुशिंग के ऊपर। अगर आप वो गलतियां नहीं करो तो आपकी केडी काफी ज्यादा हो, अगर अभी 3 की चल रही है और अगर आप वो गलती करना बंद कर दो तो आपकी केडी डायरेक्ट 5 पे पहुंच जाए। पहली गलती ये कि भाई जब भी आपका गेम स्टार्ट होता है आप जैसे ही लैंड करते हो तो जो आपके पास पहला चांस होता है यानी कि आप उसके अंदर आराम से मर सकते हो, आपको ट्राई करना है जितना आप अग्रेसिव खेलो, यानी कि जितना आप ज्यादा से ज्यादा किल ले सको उतना ज्यादा से ज्यादा किल्स आपको लेना है। ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहा कि आपको आगे जाके भिड़ना है, अगर आपके पास कवर वगैरह नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्टली जाके भिड़ना है, नहीं, आपको सही से खेलना है, लेकिन इस माइंड से खेलना है कि भाई मिनिमम यहाँ से आप 2-3 या 4 किल्स कैसे भी करके ले लो। जैसे आपका 2-3 किल लेने के बाद आपका डब्बा पेटी बनता है तो आपको जो सेकंड चांस मिलता है उसके अंदर आपको थोड़ा स्टडी सेफ खेलना है, थोड़ा कैंप करके खेलना है, क्योंकि गेम खेलने के आपके 2 मोटिव थे, पहला तो केडी मेंटेन रखना, दूसरा कॉन्करर रैंक पुशिंग करना। पहले रिकॉल के अंदर आपने केडी मेंटेन कर ली 3-4 किल लेकर, देन उसके बाद जो आपको सेकंड चांस देखने को मिलता है उसके अंदर आपको सेल्फ एंड स्टडी खेलना है। आपको ट्राई करना है आप 1-2 किल भी लो तो आपकी जो केडी है वो बढ़िया भी हो जाएगी और आपको गेम एंड होने के बाद काफी बढ़िया प्लस में पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई गेम हम स्टार्ट करते हैं लैंड होते ही हमारे आसपास जैसे बंदे आते हैं हमारा गेम लैग होना स्टार्ट हो जाता है, तो भाई डोंट वरी, ये वाली वीडियो देख लो, इसके अंदर कितना ही बड़ा लैग आपका गेम करता हो, 2-3 GB वाला अगर आपका पास फोन है तो आप लैग फ्री गेम खेल सकते हो, स्मूथ खेल सकते हो। तो डोंट वरी, 3.3 अपडेट के बाद जो हमें सभी के डिवाइस में लैग देखने को मिल रहा है उसे कैसे आपको तुरंत से फिक्स करना है। 2-3 GB का भी अगर आपके पास फोन है और उसके अंदर भी अगर आपका फोन BGMI लैग होता है तो मैंने ये वाली वीडियो के अंदर जो भी तरीके बताए हैं सारे जेन्युइन है, उनको एक बार ट्राई कर लेना, आपका गेम सुपर स्मूथ चलने लग जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर रूट वगैरह करने का तरीका मैंने उसमें नहीं बताया, जेन्युइन तरीके बताए जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 80% आपका लैग फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी बात करते हैं हमारे अगली गलती के बारे में जो कि आप काफी ज्यादा लोग करते हैं, वो गलती काफी ज्यादा कॉमन है, लोग अभी भी क्लासिक मैच के अंदर ये गलती दोहराते हैं और काफी ज्यादा लोग वहां पे मारे भी जाते हैं, यानी कि किल हो जाता है, डब्बा बन जाता है बेसिकली। एंड वो गलती ये कि भाई जब भी आपको ओपन के अंदर कोई बोट वगैरह देखने को मिलता है या फिर कोई सोलो बंदा देखने को मिलता है तो उस पे झपट्टा मारते हैं ऐसा कि भाई जैसे कि सारा किल उसी से मिल जाएगा आपको, फिर चाहे आप खुद पैदल भाग रहे हो या फिर बाइक से जा रहे हो उसके पास जाके आपको किल लेना होता है, आपकी चाहे स्क्वाड पीछे रह गई हो आपको उसके तुरंत उसके पास जाना है उसको किल लेना है, ऐसी गलती आप मत करा करो। आपको ओपन में कहीं पे बंदा वगैरह दिखता है तो आपको सबसे पहले कवर ढूंढना है, कवर से आप लॉन्ग रेंज के अंदर फाइट लो या फिर थोड़ा उसके पास चल जाओ लेकिन उसके क्लोज में मत जाओ, क्योंकि बिना कवर के अगर आप उसके पास क्लोज में जाओगे तो उसे मारने के बाद आप भी एक बंदे बन जाओगे जो कि ओपन में खड़ा है, जो बाकी स्क्वाड के लिए एक सिंगल बंदा है जिसको आप मारना आसान है। तो ऐसी गलती मत करो, कहीं पे भी अगर आपको सिंगल बंदा या फिर बोट वगैरह देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले कवर ढूंढना है, फिर चाहे आप पेड़ या फिर पत्थर कुछ भी देख सकते हो या फिर चाहो तो आप जो कार ड्राइव कर रहे हो उसकी पीछे वाली सीट पे बैठकर भी आप निशाना लगा सकते हो, इससे आपको किल्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में जो आपका प्रैक्टिस है लॉन्ग स्प्रे की वो भी हो जाएगी, इससे आपको किल भी मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सेफ खेलो। अब इसका एग्जांपल मैं आप सभी को बता देता हूं कि इंपैक्ट कैसे डालता है। काफी ज्यादा टीम ऐसी होती है जिनको पता रहता है कि यहां पे एक बोट है ओपन में जा रहा है, अब वो वेट करते हैं उस बोट को, वो नहीं मारते, वो वेट करते कोई सोलो बंदा है या फिर डुओ बंदा है या फिर कोई स्क्वाड वहां पे आके रुके, उस बंदे को मारे, उससे लूट करे, और जैसे उन्हें ऐसा करता हुआ कोई स्क्वाड या फिर डुओ का बंदा दिखता है वो दूर से स्प्रे करके पूरी स्क्वाड को ही खत्म कर देते हैं। तो आपको वो स्क्वाड बननी है जो दूर बैठ के निशाना लगा रही है, ना कि उसके पास जाके उसको लूट कर रही है। सेकंड गलती ये है कि काफी ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि भाई स्क्वाड के अंदर गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर 3 बंदे कोई अलग लोकेशन पर है, 1 बंदा कोई अलग लोकेशन पर है, और गलती से भी जो सिंगल
बंदा जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर अगर रश हो जाता है तो बाकी की जो तीन टीममेट है वो आने में इतना देर कर देते हैं क्योंकि वो इतना दूर होते हैं कि उतने टाइम में उनका बंदा किल होकर रिकॉल भी हो जाता है और वो वहाँ लोकेशन पे पहुँच नहीं पाते। तो अगर आप मैक्सिमम ट्राई करो कि इतने आप आसपास हो सारे के सारे बंदे, यानी कि चारों बंदे इतने आसपास हो कि भाई अगर आपके पास किसी पे एक पे रश भी होता है तो तीनों बंदे एक साथ उसको कवर दे सके, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं और काफी ज्यादा मिस्टेक्स के बारे में। एक कॉमन मिस्टेक है वो ये कि जो लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं कि भाई स्क्वाड में गेम खेल रहे हैं और एक ही व्हीकल से चारों पांचों बंदे एक साथ जा रहे हैं, वो बात अलग है कि भाई इमरजेंसी के अंदर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, फ्यूल खत्म हो गया और आपको जोन के अंदर क्रॉस करना है तो आप एक गाड़ी में जा सकते हो। लेकिन भाई देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जो कैंपर होते हैं जो ब्रिज पे बैठते हैं वो ऐसे ही मौके का वेट करते कि एक गाड़ी में चार बंदे आए और उनको एक साथ लपेट दें। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई दो व्हीकल रखो, दोनों के पास फ्यूल टैंक होना चाहिए। अगर एक व्हीकल में फ्यूल खत्म भी होता है तो उसको रिफिल कर दिया करो और एक व्हीकल के अंदर दो बंदे बैठा करो ताकि एक अगर ड्राइव कर रहा है और वहीं से रश होता है तो दूसरा बंदा फायर वगैरह कर सके। एक और कॉमन मिस्टेक जो काफी ज्यादा लोग करते हैं वो ये कि भाई स्मोक ग्रेनेड और साथ में ग्रेनेड इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो भाई जो बात अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो आपको हमेशा इंप्लीमेंट करनी है। कभी भी आप किसी भी बिल्डिंग पर रश करने जा रहे हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी लोकेशन हो, चाहे आप सोलो डुओ स्क्वाड कुछ भी खेल रहे हो, अगर आप किसी बिल्डिंग पर रश कर रहे हो तो आपको स्मोक ग्रेनेड नहीं ग्रेनेड हमेशा करना है। मिनिमम ट्राई करो कि आप उस बिल्डिंग के अंदर मिनिमम आपको 3 से 4 ग्रेनेड फेंकने, हर खिड़की में से एक एक फेंक दो ताकि वो कलाचुक हो जाए कि भाई बंदे कहां से आ रहे हैं। और बाय चांस अगर आप कहीं ओपन में फाइट ले रहे हो, दो पेड़ के पास आपस में फाइट ले रहे हो, एक बंदा नॉक हो चुका है आपकी टीम का, तो भाई आपको स्मोक ग्रेनेड करना जरूरी है। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई हैकर्स हमारी लॉबी में काफी ज्यादा आते हैं तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, हैकर से कैसे बचें। तो मैं आप सभी को एक तरीका बताता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके हैकर्स आपकी लॉबी में आ रहे हैं। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है, तो भाई जब भी आप कोई सा भी मैच स्टार्ट करते हो जहां पर प्लेन आपका आने वाला होता है, उससे पहले जो आपका वेटिंग एरिया होता है जहां पर आपके 80-90 प्लेयर्स आपके आसपास घूम रहे होते हैं, वहां पर आपको ऑब्जर्व करना है। एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मान लो आपकी जो वेटिंग एरिया है वहां पर आपके आसपास 60 बंदे हैं। अब उन 60 बंदों में से ज्यादातर बंदे स्टैटिक खड़े हैं, यानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, केवल एक ही जगह देख रहे हैं, एक जगह ही खड़े हैं। तो भाई इसका मतलब ये कि भाई उनमें से ज्यादातर हैकर्स हैं। तो उन 60 बंदों में से ज्यादातर बंदे ऐसे होते हैं जो हिल नहीं रहे, तो भाई ज्यादातर उनमें से हैकर्स हैं, तो आपको उस टाइम ही लॉबी छोड़ देनी है, आपको दूसरा मैच स्टार्ट कर लेना। जिस वेटिंग एरिया के अंदर ज्यादातर बंदे हिल रहे, मूवमेंट कर रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, तो भाई उसका मतलब ये कि ज्यादातर बंदे नॉर्मल है, हैकर्स बहुत ही कम है। तो हैकर्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल से सिंपल तरीका मैंने आप सभी को बता दिया, इसको यूज करना। कहीं भी आपको लगे कि भाई पूरी लॉबी के अंदर बंदे हिल ही नहीं रहे, लॉबी का मेरा मतलब है कि पूरे वेटिंग एरिया में बंदे हिल ही नहीं रहे, 60 में से 40 बंदे केवल एक जगह पे खड़े हैं, तो भाई वो सारे के सारे हैकर्स है। आपको उस मैच को एग्जिट कर लेना है, दूसरा मैच लगा लेना है जहां पे ज्यादा बंदे आपको हिलते हुए मूवमेंट करते हुए देखे, वो मैच आप खेलो, उसके अंदर हैकर्स बहुत कम आएंगे। बाकी मैच के अंदर अगर आपको हैकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो सिंपली आप उनको रिपोर्ट कर दिया करो। रिपोर्ट करने के बाद बीजेमआई वाले चेक करेंगे, अगर वो हैकर होगा तो उसकी आईडी बैन हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो के लिए बस नहीं, होप मैंने आप सभी को सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी हो कॉन्करर रैंक पुशिंग से रिलेटेड। बाकी आपको ऐसी वाली वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और मेन बात अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार ग्लैक्स और लाल दिल साथ में लिख देना, और साथ में मुझे ये भी बता देना कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट करने जा रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। ओके, ये वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं हूं ग्लैक्स, मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।